हेलो फ्रेंड्स, स्वरा स्वीडी लाइक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो है वाटन वाली दाल, जो नारियल से बनाई जाती है पूजा श्राद्ध वगैरह में, गणेशा के फेस्टिवल में, अन्य तौर पे इसे बनाया जाता है। इसमें हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो चलो शुरू करें। वाटन वाली दाल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा नारियल, ये ताज़ा नारियल है जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है, और आप अगर इसे नापोगे तो ये आधा कप के करीब है। फिर आधा टीस्पून हमने यहाँ पे जीरा लिया है और एक हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप आपके स्वाद अनुसार कम ज़्यादा तो कर सकते। सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें और थोड़ा पानी डाल के हम इसे हमने इसे पीस लिया है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने दाल को उबाल लिया है। एक कप दाल को हमने अच्छे से वॉश करके उसमें हमने करीबन 2.5 कप पानी डाला था, और अच्छे से थोड़ा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसे उबाल लिया है। आप देख सकते हैं, इस उबली दाल को हम इस बर्तन में डालेंगे। अब ये जो हमने पीसा था कोकोनट का मसाला वाटन, वो हम दाल में डालेंगे। फ्रेंड्स, ये दाल बनाना बहुत ही सिंपल है। जितनी पतली मोटी आपको दाल की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी आप इसमें डाल सकते हो। हम थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद के लिए। इसमें अच्छा उबाल आ गया है, दाल जो है हमारी रेडी हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे। इस पे ऊपर से हम थोड़ी हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे हम सर्व करेंगे। हमारी ये वाटर वाली दाल तैयार है, और मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।